वेलकम टू माया परिकट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। सलमान खान के जीजा जी यानी आयुष शर्मा की नई मूवी रुसलान का ऑफिशियल टीजर सामने आ चुका है। मूवी में आयुष एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म में आयुष के साथ साथ जगपति बाबू और सुश्री भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब उनके खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। जी हां, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े गौरव गुप्ता ने ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि एल्विश की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अनन्या पांडे ने एक बार फिर इंटरनेट पर लाइमलाइट बटोर ली है। दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में एक सीक्वेंस ऑफ शोल्डर स्लिप ड्रेस पहनकर इंटरनेट पर धूम मचा दी है। ड्रेस में अनन्या पांडे अपने कर्व्स को फ्लॉन्ट करते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म दो और दो प्यार की रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी और पहले ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विद्या बालन की इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज भी नजर आने वाली है। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की हाल ही में एक पार्टी से फोटोज वायरल हो रही हैं। अंशुला कपूर को एक इवेंट के दौरान ब्लैक कलर की ड्रेस में स्पॉट किया गया। अंशुला ने अपने स्टाइलिश लुक से इवेंट की सारी लाइमलाइट चुरा ली। अर्जुन कपूर की बहन इस ड्रेस में बेहद ही ग्लैमरस लग रही थी। आशा भोसले की पोती जनाई संदीप सिंह फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं आशा भोसले ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए अपनी पोती के सिल्वर स्क्रीन डेब्यू का ऐलान किया है। अदा शर्मा की मोस्ट अवेटेड फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी काफी सुर्खियों में है और अब हाल ही में फिल्म का नया दमदार गाना वंदे वीरम रिलीज कर दिया गया है, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। गाने के बोल और सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वहीं जावेद अली की आवाज में ये गाना हार्ट टचिंग है। हाल ही में एक्ट्रेस करीना कपूर खान को एक लूज पिंक सैटिन गाउन ड्रेस में अपने घर से बाहर निकलते देखा गया। करीना कपूर इस ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस ड्रेस में एक्ट्रेस की खूबसूरती देखने लायक थी। फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और उनके हुस्न की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। पंजाब के रॉक स्टार कहे जाने वाले दिलजीत दोसांझ ने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाया है। अब दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एक मठ का दौरा करते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भिक्षुओं के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो युवा भिक्षुओं को स्वेट शर्ट भी गिफ्ट करते दिखाई दिए हैं। तेलुगु फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर सूर्य किरण का 48 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मार्च 2024 को उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली। इस खबर को सुनकर पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, तेलुगु डायरेक्टर सूर्य किरण की पीलिया के कारण चेन्नई में मौत हुई है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।